हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल कौसाम्बी में। आज दोस्तों, कोरोना वैक्सीन पर खुशखबरी। एम्स के डायरेक्टर बोले, भारत में जनवरी तक वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। देश के लिए सबसे अच्छी खबर आई है, दिसंबर के आखिर में या जनवरी की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि भारत में अब कुछ वैक्सीन फाइनल स्टेज के ट्रायल्स में है। हमें उम्मीद है कि दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत तक इनमें से किसी को ड्रग रेगुलेटर से इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू हो सकेगा। दरअसल इस समय भारत में 6 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसमें ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक के वैक्सीन फेज 3 ट्रायल्स में है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ चुके हैं। इसे भारत में बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाल ने पिछले हफ्ते कहा था कि वे जल्द ही इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने गुरुवार को कहा कि जो डेटा अब तक सामने आया है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वैक्सीन सेफ और इफ़ेक्टिव है। वैक्सीन के सेफ्टी और एफिकेसी से कोई समझौता नहीं होगा। 70 से 80 हज़ार वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाई गई है। अब तक कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया है। डेटा बताता है कि शॉर्ट टर्म वैक्सीन सुरक्षित है। चीन ने अपने 4 और रूस ने अपने 2 वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे होने के पहले ही मंजूरी दे दी थी। इसके बाद यूके ने 2 दिसंबर को अमेरिकी कंपनी फाइजर और उसकी जर्मन सहयोगी बायोएनटेक के बनाए mRNA वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।